हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो ब्लॉग की शुरुआत दिन से ही हो रही है आज। तो मौसम ना धूप वाला बन रखे हैं, धूप आ रही है हल्की हल्की सी, और बस तो मौसम बंद है बट हल्की हल्की धूप लगी हुई है। और कल से बारिश भी नहीं हुई है, कल भी नहीं हुई बारिश, आज भी नहीं हुई बारिश। तो गैस मौसम तो आप लोगों ने देख लिया होगा, हल्की हल्की धूप लगी हुई है, बाकी बादल भी आ रखे हैं आसमान में। और आज ना मैं अपने ससुराल की ओर जा रही हूँ। तो वैसे तो मैं गैसम के रास्ते जाती हूँ बट आज मैं ना ऊपर मतलब जंगल के रास्ते जा रही हूँ ऊपर से। तो फनियाल जी मुझे लेने आएंगे आधे तक, और आधे से मैं अकेले ही चले जाऊँगी। तो दिन मेरे पूरे हो चुके हैं मायके के, तो यही होता है मायके में दिन पूरे हो जाते हैं तो ससुराल जाना पड़ता है। तो आज मैं भी जा रही हूँ अपने ससुराल की ओर। और बस अभी मेरी तैयारी हुई नहीं है बट पूरी वगैरह बना रही है मेरी मम्मी मेरे लिए, और अभी मैं तैयार भी नहीं हो रही हूँ क्योंकि ऊपर के रास्ते जाना है मुझे, तो वहाँ से जल्दी पहुँच जाते हैं हम, और इसलिए थोड़ी देर में जाएँगे। तीन चार बजे के टाइम पे जाएंगे। तो दोस्तों अभी ना टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 4 बज गए हैं, और पूरी पकौड़ी वगैरह ना हमने बना दिया है, बना के रख दिया है। तो अभी मैं भी अब तैयार हो जाती हूँ क्योंकि ना बारिश का मौसम बन रखा है, मतलब क्योंकि बादल आ रखे हैं आसमान में। तो इस टाइम पे ऐसा होता ना कि कभी भी बारिश हो सकती है, तो टाइम पे चले जाते हैं और करते हैं अपनी तैयारी। तो गाइस अपने गांव से ना मैं आ गई हूँ, मतलब घर से मैं आ गई हूँ, और पजियाणा की साड़ी में मैं पहुँच गई हूँ। तो घर पे तो मैंने ब्लॉग बनाया नहीं क्योंकि ना मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे घर पे, मतलब जब मैं ससुराल को आती हूँ ऐसे कैमरा आगे रखना अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने घर से ब्लॉग बनाया नहीं, और मैं ना पजियाणा के सहारे में पहुँच चुकी हूँ, और यहाँ से हमारा गांव भी दिखाई दे रहा है एकदम साफ। तो गैस ये रहा हमारा गांव मटकोट, और ये रहा हमारा कुटुंधार, सामने दिखाई दे रहा है ये रहा हमारा घर जो सामने दिखाई दे रहा है। वहाँ से मैं आ रही हूँ, और सारी देखिए एकदम हरी भरी हो रखी है। तो गैस मौसम ना अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है, ये देखिए काले बादल आ गए हैं बहुत ज़्यादा आसमान में, काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया है। और ये रहे पजियाणा के सारे, एंड ये पजियाणा गांव भी दिखाई दे रहा है सामने। तो गैस ये रहा पजियाणा गांव, और ये है हमारा गांव, मतलब हमारे गांव और पजियाणा गांव में दोनों में ज़्यादा डिस्टेंस तो है नहीं। तो गैस मटकोट और पजियाणा के बीच ना ज़्यादा दूरियां है नहीं, बस कुछ खेत लगते हैं बीच में जो कि मटकोट और पजियाणा दोनों के सहारे के बीच में आता है, दोनों के ही खेत हैं वो। तो कुछ ही दूरी के बाद पजियाणा है, तो मैं पजियाणा में पहुंच चुकी हूँ। और घर से निकलते समय मैंने कैमरा ऑन रखा नहीं क्योंकि ससुराल आते समय हर कोई इमोशनल हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है मुझे ऐसे मैं कैमरा ऑन करना, इसलिए मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। पजियाणा में मैं आ चुकी हूँ, तो फनियाल जी वो भी पहुँच चुके हैं, उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि वो भी पहुँच चुके हैं। चलो भाई नाश्ते, चलो दियो नाश्ते, कैसे आ तुम? तो गाइस ये देखिए दोनों ना पजियाणा के दमकड़ में आ रखे हैं मेरे को लेने, और यहाँ पे ना बहुत सारे गाय बैल भी आ रखे हैं, भैंस भी आ रखे हैं पजियाणा वालों की। तो कितने बजे आए आप घर से? घर से आ गए थे 3:30 बजे, और 4 बजे हम पहुंच गए हैं। 4 बजे से कितना टाइम हो गया? कितना हो रहा अभी टाइम? 4:58। एक घंटा हो गया हमको यहाँ। कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र का फल लाल होता है। तो गाइस ना बारिश वाला मौसम बन रखा है, और इन दोनों ना छाता भी नहीं ला रखा है। छाता लेके क्यों नहीं आए यार तुम दोनों?
अरे हमको लगा कि तुम आ गए होगे, तो देर कर दी यहाँ पे। तो गाइस ये देखिए मौसम नए से हो गए हैं, अच्छा था लेकिन बनाए दोनों, कभी भी बारिश आ सकती है। और मेरा बैग पहले चेक होने बैठ गया, इसमें नहीं है, इसमें है। दो बच्चों के लिए कुरकुरा लार कहने मैंने, नहीं तो ये दोनों रो जाएंगे। जी देखिए मैंने बच्चों के लिए ना कुरकुरा लार खाए, दो बच्चों के लिए दीपड़ो नहीं भाई। और एक मेरे पास भी है, तो चलते हैं खाते खाते नूडल का आनंद लेते लेते चलते हैं घर की ओर। जब तक बारिश नहीं आएगी तब तक तो सही है, बारिश आएगी फिर भीगते भीगते जाएंगे और गधेरे से पजाड़ा खाल के इन सूखे हरे भरे दमकड़ों तक। यहाँ तक ना बहुत बड़ी चढ़ाई है, वो चढ़ाई पार करके ये दोनों आए ऊपर और फिर यहाँ से नीचे को है अब रास्ता। अब तो नीचे को है, एक बार चढ़ाई एक बार नीचे को। तो एक घंटे से ये दोनों मेरा वेट कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों को ना मेरे पर गुस्सा भी आ रहा है, कब से फोन करने पे लगे थे ये दोनों। और हमने जाना है कहाँ, पहुँचवा दिया वहाँ। धुंधला सा दिखाई दे रहा है, बहुत अजीब तरीके से। चल दीप, अच्छा हो रहा है दीप ना। तो गाइस चलते चलते हम आ गए हैं गधेरे के ऊपर, यहाँ से नीचे गधेरा दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर हम आ चुके हैं। दिखने जो हल्का हल्का ही दीप से दिन नहीं दिखने वाला। और यहाँ पे ना बीच में एक मंदिर पड़ता है, जंगलों के रास्ते से बीच में एक मंदिर पड़ता है जो कि नीचे दिखाई दे रहा है। तो जिस दिन ना हमारी शादी हुई थी उस दिन भी हमने यहाँ पर भेंट चढ़ाई, और जब ऊपर नीचे जाते हैं यहाँ से इस रास्ते से तो यहाँ पर भेंट चढ़ाना चाहिए, तो अभी भी हम यहाँ पर भेंट चढ़ाएंगे। तो गाइस ये रहा मंदिर, और ये मंदिर के जस्ट सामने बना रखा है प्रतीक्षालय। तो गाइस भेंट चढ़ाने के लिए चलेगी हम तीनों जूते चप्पल यहीं पर रख के। क्या मांगा हम नहीं। तो गाइस यहाँ पर है मंदिर जहूबन, और इन दोनों का ना अभी टफ हो गया, इन दोनों ने जूता लार के है और मैंने सैंडल, तो मेरा आसान है सैंडल डालना। तो गाइस हमने ना फाइनली पूरी मतलब जो चढ़ाई थी वो कंप्लीट हमारे हो चुके हैं। चढ़ाई तो इन्होंने चढ़ी थी और हम मैं तो नीचे को आई, तो कंप्लीट होके मैं हम गधेरे में आ चुके हैं। और ये देखिए गधेरे से ना खूब पानी निकल रहा है आजकल, आजकल बरसात के टाइम है तो पानी ज़्यादा बढ़ गया है। और यहाँ पे ना शेरा वालों के बैल भी आ रखे हैं, तो लगभग आधा से ज़्यादा हम आ चुके हैं। और यहाँ से ना अब शेरा गांव लगता है, उसके बाद मेरा ससुराल शुरू हो गया मतलब प्रखंड गांव लगता है, तो ज़्यादा अब है नहीं, बस थोड़ी ही दूरी है। अब एक घंटा फिर भी लगेगा शायद, एक घंटा लग जाता है क्योंकि ये इसलिए हल्की हल्की चढ़ाई इस रास्ते पर भी है, हल्की हल्की चढ़ाई और फिर उधर तो है, तो आधे घंटे में तो हम नीचे आए। नीचे आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, चढ़ाई चढ़ने में लगता है। तो गाइस ये नीचे रहा शेरा गांव, शेरा गांव के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। ये एक रहा शेरा और सामने दिखाई दे रहा है फरकंडे गांव। तो गाइस फाइनली हम घर में पहुंच चुके हैं और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। घर में पहुँचते ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, अभी ना मौसम कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो दोस्तों कपड़े चेंज वगैरह तो मैंने कर दिए हैं, बट घर में ना अभी कोई है नहीं। मेरे सासू शायद गौशाला गई है और फनियाल जी भी दुकान पे चले गए हैं, घर पे तो कोई है नहीं। और बस अभी बारिश वाला मौसम बन रहा था उसमें, बट अभी बंद हो गई है, बारिश आ नहीं रही है। तो करते हैं ब्लॉग की एंडिंग,
यहीं पे करते हैं ब्लॉग एंड। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, आया होगा अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।